बेटा या तो रोटी बना ले या फिर तो अपना कोकोमेलन देख ले। क्या करना बोल, रोटी बनाएगा? भाई वहां पे रोटी बना रहा था, वहां से बनाता बनाता इधर आ गया भाई अपना कोकोमेलन देखने के लिए। तो हाँ जी, हेलो, वेलकम टू द वीडियो, दिस इज सचिन। और फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकफास्ट करते हैं पहले। सेकंड, आपको भाई इस वीडियो में बताएंगे आयरलैंड से अगर आप बाहर जा रहे हो डबलिन एयरपोर्ट के बारे में, यहाँ से आपको जाते टाइम कितने घंटे पहले आपने पहुँचना है डबलिन एयरपोर्ट पे, क्योंकि भाई रश काफ़ी है डबलिन एयरपोर्ट से, काफ़ी बंदों की फ्लाइट मिस हुई है। एनीवे, मैं भी अभी सर जाके आया तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है, ग्राउंड रिपोर्ट जो थी मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँगा कितने टाइम पहले आपने जाना है। और जब आप फास्ट ट्रैक करा रहे हो एयरपोर्ट से तो उसका फ़ायदा है या नहीं है, कितने में वो कराई थी हमने, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। If you're going out from Dublin, कहीं पे भी जा रहे हो, इंडिया जा रहे हो, पाकिस्तान जा रहे हो, बांग्लादेश जा रहे हो, श्रीलंका जा रहे हो, या फिर आप यूरोप में कहीं पे भी जा रहे हो, चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले भाई ब्रेकफास्ट करके जिम जाना है आज ना, काफी टाइम के बाद जा रहे हैं। अच्छा राजन, बेटा खाना बना ले। अच्छा ये तो इधर आ जा, फिर खाना बना ले चल। डर लग रहा है, देखना जैसे मम्मी नहीं लेके खड़ी होती है बचपन में। भाई ब्रेकफास्ट में आ जाइए भाई अपना चने का सूप मलाई मार के, और इसके साथ भाई थोड़े से रसे जैसे ना ब्रेड को फ्राई करके ना घी में। राजन खाना ही कर रहा है आज, इसकी भाई पिटाई हो रही है पूरी ना। क्यों बेटा, आजा आजा भाई, परेशान हो गए, खाना नहीं खाता है, ब्रेकफास्ट नहीं करता है कभी भी ना। लास्ट ट्राई आ देखता है भाई, बिल्कुल भी नहीं खा रहा, परेशान हो गए। एनीवे दोपहर के टाइम ट्राई करता है, अभी मैं जिम चलता हूं भाई, जिम के लिए भी लेट हो रहा है। इसको ना हमने ना हेडफोन दिया हो, देख इसको लेके, होपफुली खाना खा लेगा अपना, देखते हैं ट्राई करके भाई खा लेगा ना खा लेगा। वाओ, इसमें जादू है क्या बेटा? एक बार और ट्राई कर। वेरी गुड राजन। और भाई मेरे एयरबड्स का कमाल देखो, जैसे भाई रायन को दिया ना, इसने पूरा खाना खा लिया बहुत कम टाइम में। और आज देखो भाई राम प्यारे मैंने वहां पे खड़ी कर रखी है सामने, लास्ट टाइम जहाँ पे शीशा टूटा था ना भाई, उधर लास्ट में जाके खड़ी हुई थी, तो थोड़ा सा डेंजरस है जो मेरे को लगता है। बट एनीवे सामने भाई घर है तो यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे भाई कहीं पर ना पार्किंग नहीं मिलती है। टाटा। और भाई आज का मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, जैसे ना गर्मी नहीं हो रही है इतनी और ना ही सर्दी हो रही है, ठीक ठाक हो रहा है, तो भाई हाफ शर्ट में जा रहे हैं। एनीवे राम प्यारे में बैठते हैं फिर बात करते हैं भाई। ये था वो शीशा जो टूटा हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप डबलिन से बाहर जाने की सोच रहे हो या फिर डबलिन में आने की सोच रहे हो, देखो आप डबलिन में आने की सोच रहे हो डिपेंड है कि भाई डबलिन एयरपोर्ट पे आप किस टाइम आ रहे हो। डबलिन एयरपोर्ट बहुत ज्यादा बिजी है, टैक्सी अगर आप लेकर वापस अपने रूम पे या फिर अपने अपार्टमेंट पे घर पे जाना चाहते हो डबलिन एयरपोर्ट से, डिपेंड आप किस टाइम आ रहे हो। आफ्टर 10 o'clock नाइट टाइम बहुत बिजी है, आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन आप इवन कि डबलिन एयरपोर्ट पे जा रहे हो तब भी आपको ध्यान में रखनी है कई चीज़ें, कई बातें ऐसी हैं, आपकी फ्लाइट मिस हो सकती है। देखो अगर आप डबलिन एयरपोर्ट से काफ़ी दूर रहते हो तो भाई आपने ठीक ठाक टाइम पे डबलिन एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है 3 घंटे एटलीस्ट पहले, तो अगर आप 4 घंटे पहले भी पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपका कोई नुकसान नहीं है उसमें, आपकी टिकट कैंसिल हो सकती है आपकी फ्लाइट। सिक्योरिटी लाइन में आप लगते हो, वहाँ पे काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। एनीवे अभी भाई टाइम भी काफ़ी हो गया है ना जिम जाने का, बिल्कुल 1 बज चुका है और 3 बजे मेरे को वापस पहुँचना है। आज काफ़ी टाइम के बाद जिम जा रहा हूँ, जब से अबीजा ट्रिप के लिए गए थे। और हाँ, एक भाई ने लिख भी रखा था कि भाई सचिन आपने कंट्रोल कर लिया अपना वेट ना, वेट कम हो गया, आप लोग क्या खा रहे हो, तो भाई थैंक यू। एनीवे इसके ऊपर भी कुछ वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में भी, भाई ठीक ठाक वेट आए, इतना कम भी नहीं हुआ। देखो भाई कितना सही मौसम हो गया, बिल्कुल अच्छा मौसम हो रहा है, जैसे ना गर्मी है ना सर्दी है। और हाँ, एक भाई ने ये भी पूछा था कि अगर सचिन जैसे वो आपकी गाड़ी चोरी कर लेते, आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था, अगर वो चोरी कर लेते तो आपको पे करता बैंक या फिर आपकी इंश्योरेंस? जब आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है आयरलैंड में फिर उसमें आग लगा देता है कोई, तो भाई उसमें फायर एंड थेफ्ट एंड लॉस की तहत आपको वो गाड़ी का जो भी मार्केट वैल्यू होता है उस टाइम की, 1 साल पहले आपसे पूछ लेते हैं जब आप अपनी इंश्योरेंस कराते हो, तो आपको फुल प्राइस मिलता है गाड़ी का जो उस टाइम मार्केट वैल्यू थी गाड़ी की। और हाँ, उसमें कोई आग लगा देता है तब भी भाई आपको सेम प्राइस मिलता है जो भी गाड़ी का वैल्यू थी उस टाइम, तो यही फायदा होता है। एनीवे भाई जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया इंश्योरेंस कराने का, चलो जी वो है भाई अपनी जिम सामने वो दिख रही है, और सामने ये खड़ी हो गया भाई अपनी रैंप पे, और जिम का भी इनकी पार्किंग बनी है ना वो सामने नीचे बन गया अंडरग्राउंड। 32 यूरो जिम की फीस है जो ना। और लास्ट टाइम जब मैं जिम में आया था यहाँ पे भाई शावर टूटा हुआ था, होपफुली आज फिक्स हो गया ना, तो नहा के जाएंगे, मजा आ जाना है, देखते हैं। चलो जी फाइनली होगी अपनी जिम, और ये पीछे अपनी जिम रही, क्या कि भाई आज शावर चल रहा था काफ़ी टाइम के बाद, नियरली 2 वीक्स के बाद, जब से मैं अबीजा गया था तब से शावर नहीं चल रहा था यहाँ पे, आज शावर चल रहा था भाई, नहा के मजा आ गया आज ना जिम में। और अभी सीधा बैठते हैं भाई राम प्यारे में। तो ये काफ़ी व्यूअर पूछते हैं कि भाई सचिन तू कितने टाइम कितनी बार तू जिम जाता है वीक में, तो भाई मैं 5 डेज जाता हूँ वीक में जिम के लिए, और क्योंकि भाई इन कंट्री में जिम करना ज़रूरी भी है, सर्दी का मौसम है और आपको फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ा बहुत करते रहे तो आपका शरीर भी भाई ठीक रहता है, तो अपने शरीर की तरफ भी बंदे को ध्यान देना चाहिए। तो अभी निकलते हैं भाई पार्किंग से बाहर, और उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं आपको एयरपोर्ट के बारे में क्या सिचुएशन है, और कैसे आप भाई ट्राई कर सकते हो कि एयरपोर्ट पर आपकी फ्लाइट मिस ना हो। चलो
लेकिन अब एयरपोर्ट पे पहली बार सुना है ऐसे कि भाई यहाँ पे फ्लाइटें मिस हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बिजी है एयरपोर्ट, ऐसा पहले मैंने कभी भी नहीं सुना यहाँ पे ना। बट आज के हालात ऐसे बन गए कि आपको अपनी फ्लाइट बचाने के लिए ना एयरपोर्ट पे बहुत जल्दी पहुंचना पड़ता है भाई। देखो आज के टाइम में अगर आपकी फ्लाइट है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जैसे हमने भी किया था जब हम अबीजा के लिए गए हुए थे, लास्ट की जो वीडियो थी आप जरूर देखना भाई, आप एंजॉय करोगे इस वीडियो को। जब आप जा रहे हो आयरलैंड छोड़ के, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा भाई यहाँ से आप अपना फास्ट ट्रैक बुक करा ले, जो कि नियरली अराउंड 8 से 12 यूरो आपके खर्च होते हैं, जो कि इन्वेस्टी है भाई लगा लो। कई बार क्या होता है कि भाई यहाँ पे काफी क्यू लगी होती है डबलिन एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 1 पे या फिर टर्मिनल 2 से, डजंट मैटर। क्यू में लगने के बाद आपको सिक्योरिटी में जाना पड़ता है और सिक्योरिटी में काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसके कारण आपकी फ्लाइट भी मिस हो जाती है। फास्ट ट्रैक में क्या होता है कि जैसे आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हो, फास्ट ट्रैक की एक डिफरेंट लाइन बनाई होती है, उस पर लिखा भी होता है फास्ट ट्रैक, तो वहां से आप चले जाते हो तो बहुत ईजिली आप एंटर कर जाते हो सीधा आपकी सिक्योरिटी पे, तो उसमें बहुत कम टाइम आपका वेस्ट होता है। तो आपको ये पता नहीं होता है कि जो सिक्योरिटी की लाइन है जो बिना फास्ट ट्रैक है उसमें कितना टाइम लग जाता है। तो बेस्ट वे फास्ट ट्रैक अपना बुक करा लो। Meanwhile, समर टाइम चल रहा है, हॉलीडे सीजन चल रहा है। चलो चलते हैं सीधा घर पे और देखते हैं भाई रायन सो रहा है उठ रहा है। Hopefully सो गया होना, इस टाइम में उसके सोने का टाइम हो जाता है 2 बजे के करीब। और जिम में भी आज ज्यादा टाइम नहीं लगा पाए हैं क्योंकि नहीं क्या कि 10 दिन के बाद जिम शुरू करी है, तो जैसे मसल वगैरह जवाब दे रहे हैं जिम करने से ना बिल्कुल भी जोर नहीं लग रहा है। रायन सो गया? हाँ, सो गया रायन। तो रायन तो सो गया और ऊपर ही सो रहा है। और ये देखो जी एक लेटर आया हुआ है, ये है भाई इलेक्ट्रिसिटी का अपने आयरलैंड में, तो इन्होंने लिखा हुआ है इस पे कि 45 मिनट्स के लिए आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और 40 मिनट्स का जाएगी नहीं कि वो कट ऑफ लगाएंगे। तो नियरली इन्होंने 20 डेज पहले हमको बता दिया कि 45 मिनट्स के लिए वो यहाँ पे कट लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में, कितने दिन पहले उन्होंने पहले ही बता दिया। तो अदरवाइज भाई लोग उनको कंप्लेन करते हैं, क्लेम्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहले ही बताना पड़ता है उनको, इवन क्या अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इतना केयर करते हैं यहाँ पे भाई गवर्नमेंट लगा लो या फिर यहाँ पे जो लोकल इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं बने हुए। कई व्यूअर्स ये जरूर पूछते हैं कि आप जैसे पिज्जा शॉप आप रन कर रहे हो तो आपके पास रामपियर या टैक्सी है, तो आप उसको क्यों नहीं चलाते हो, चलाते हो या नहीं? तो अभी नया बिजनेस है तो क्या है कि भाई आपको अपना टाइम देना पड़ता है, आपको वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है, तो इसलिए भाई टैक्सी में बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ मैं, तो धीरे धीरे तो होपफुली मे बी इन फ्यूचर वो नहीं चला पाएंगे। बट हाँ, टैक्सी को मैं नहीं बेचूंगा, उसको क्या है कि भाई बेनिफिट हो जाता है कि अगर आप बस लेन में ट्रेवल कर रहे हो, डबलिन जा रहे हो जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो आप बस लेन ईजिली पहुंच जाते हो डबलिन में, क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलती है बस लेन में। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है टैक्सी का। और दूसरा भाई इनकम भी बड़ी अच्छी है आज के टाइम में आयरलैंड में टैक्सी में। अगर आप आने की सोच रहे हो, पास कर सकते हो लाइसेंस, तो टैक्सी जॉब गुड मनी भाई, बहुत अच्छी पे मिलती है आपको टैक्सी में। तो कैसे आप लाइसेंस पास कर सकते हो, इसके लिए भी काफी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, एनीवे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक बना दूंगा उसका, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। लेकिन जो मेंस में से आज के टाइम में डबलिन में अगर आप आने की सोच रहे हो, आपने भी देख लिया उन्हें अकोमोडेशन के बारे में काफी वीडियोज बनाई हुई है एनीवे, लेकिन आप डाफ डोटाई फेसबुक शेयरिंग पे वहाँ पे जाके ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अकोमोडेशन काफी एक्सपेंसिव है एनीवे आज के टाइम में। अगर आप आ रहे हो डबलिन में, अपना पहले से अरेंजमेंट करके आ, जैसे मैंने काफी वीडियोस में बताया हुआ है। लो जल रहा है ना, अभी उठाया, सोंदा हुआ उठाया भाई ना, और इसका भी फेवरेट लग गया कार्टून, और अभी दिखा रहा है कि मेरे पास करना आता है, जैसे वो कर रहा है ना वैसे कर रहा है अभी, जैसे जैसे फास्ट होएंगे ऐसे ऐसे इसने भी फास्ट हो जाना है। और रायन थक गया इस टाइम और अंगूर खा रहा है भाई इस टाइम बैठ के ना, है ना बेटा, हूँ कह रहा है ना। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो एंड आई होप यू एंजॉय द व्लॉग। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है आयरलैंड से रिलेटेड, अगर आप आ रहे हो या फिर यहाँ पे रहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर।